The bundles of tendu leaf he had bought had been taken by the boy. "Oh, the fool, that son of a fool," exclaimed Aftab, almost shaking with fury. "He has forgotten to take the leaf with him." और आफ्ताब ने देखा कि वहां पर कैमल भी नहीं है और फिर उसने सोचा कि शायद वो तेंदू लीफ लेकर के गया होगा। उसने जाकर के देखा कि तेंदू लीफ के बंडल्स भी वहीं रखे हैं और ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि वो बेवकूफ लड़का ये तेंदू लीफ भी अपने साथ ले जाना भूल गया। "Who are you trying to fool with all this drama?" called out Zaman, who was still standing at the door. "This son of yours is not as innocent as the world believes. He is a pig and the son of a pig." There was no limit to chagrin. Zaman was the chief, the man who kept the rangers across happy. Anyone crossing the Rand without his support was running the gauntlet with the law. And here this pledging had blundered in without as much as a word to him or a salam or a 100 rupee note. और ज़मन बोला कि ये ड्रामा करके तुम किसको पागल बना रहे हो। Because ये जो तुम्हारा बेटा है ये उतना इनोसेंट नहीं है जैसा कि दुनिया इसको समझती है। एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग बोथ ऑफ देम। और there was no limit to the chagrin. Chagrin means anger, gussa, disappointment. So Zaman ko bahut zyada gussa aa raha tha kyunki Zaman smuggler tha aur wo aadmi tha, chief tha, wahan ka mukhiya tha ek tarah se, jo ki border cross karne mein illegal tarike se, avaidh tarike se borders ko cross karne mein wo expert tha, क्योंकि वो रेंजर्स वगैरह सबको रिश्वत टाइम टाइम पर देता रहता था। और उसके सपोर्ट के बिना रैन को यानी कि डेजर्ट को क्रॉस करना एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ करना था, जो आदमी मुश्किल में पड़ सकता था। और ये लड़का बिना उसको कुछ कहे, बिना उसको सलाम किए, बिना उसको पैसा दिए, उसकी परमिशन के बगैर डेजर्ट क्रॉस करने चला गया था। सो टॉन्टिंगली ही सेड, मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस। उसने व्यंग के तौर पर कहा कि भगवान उसकी, अल्लाह उसकी रक्षा करे। उसका मतलब कहने का ये था कि अब वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट, थॉट आफ्ताब। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजर टर्न्ड इनटू कैरियन विद वल्चर्स हावरिंग अराउंड। और आफ्ताब समझ गया था कि इसको खुशी होगी बहुत अगर नजब की डेथ हो जाएगी, वल्चर्स हावरिंग यानी कि गिद्ध उसके आसपास पड़े होंगे और उसकी डेड बॉडी कहीं रेगिस्तान में पड़ी होगी। डोंट वरी ज़मन, अल्लाह विल सी हिम सो, ही सेड टेस्टिली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर्स फेस। और उसने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे, उसको देख लेंगे। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। As Zaman stalked off, Aftab went into break the news of their son's escape to his wife. She would faint, he thought. He found her crouching with her back against the mud wall. She did not even blink in surprise once. She was waist deep in this conspiracy along with her son and never even breathed word about it. His eye fell on her bare arm. "There is that gold bangle my father gave you, woman. You need not worry, Nazar will return with clothes." और जमन जब stalked off यानी walk past, लंबे लंबे कदमों से चलना, और जैसे ही वो अंदर घर में गया उसकी वाइफ को बताने के लिए कि उनका जो बेटा है वो गायब है, उसने सोचा था कि वो ये सुन करके शिवु पेन यानी बेहोश हो जाएगी, उसको शॉक लगेगा। लेकिन वो आराम से दीवार के सहारे बैठी हुई थी और ये सुनकर के वो जरा सा भी हैरान नहीं हुई। तो वो समझ गया कि वो भी इस षड्यंत्र, इस साजिश में शामिल थी। और फिर उसने देखा कि उसके हाथ से जो बैंगल है वो गायब है। तो व्हेन ही आस्क्ड फॉर दैट, तो
की मदर ने कहा, नजर की मदर ने, कि तुम चिंता मत करो, नजर फ्लोट के साथ वापस आ जाएगा। द लॉन्ग स्लाइडिंग अलारका कैप द ब्रिज फेस अ स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रोव द टैंक ऑफ द कोरी क्रीक हैक इनटू नजर नॉस्टिल ही फॉलोड द स्टार्स द मिल्की वे प्लेग्ड विद माइका द ग्रेट बियर Shambling towards the north, before dawn, he had reached his destination for a sandy elevation palisaded with the bones of dead animals told him that he had arrived at Sarbela, over 20 miles from Kaladunar. He was already beyond the international boundary. Here he rested. During daylight, movement was impossible. The Indus rangers would be looking from their bamboo watchtowers. And in the heat, everything became a mirage. A depression in the sand looked like a splash of water. A creek, stunted cactus gave the appearance of a grove, and a camel looked like a huge prehistoric animal on the move. Any movement was sure to be noticed, so binoculars. So, उधर desert में अल्लाह रखा यानी कि जो कैमल है वो अपनी तेज चाल से चल रहा था और स्ट्रॉन्ग साउथ विंड जो आ रही थी, ठंडी ठंडी जो हवा आ रही थी थोड़ी साउथ की तरफ से, तो उसको लग रहा था। और रात में जो स्टार्स हैं उनसे ही डायरेक्शन का पता चलता है, अदरवाइज डेजर्ट एरिया में डायरेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज वाई जनरली पीपल क्रॉस द डेजर्ट एट नाइट, ताकि स्टार्स से उनको डायरेक्शन का पता चल जाए, क्योंकि वहां कोई सड़कें नहीं बनी हुई होती हैं, एंड दे हैव टू फाइंड देयर वे। और वैसे भी जो सैंड ड्यून्स हैं वो खिसकते रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द वे इन द डेजर्ट। तो स्टार्स से उनको डायरेक्शन का पता लगता है, स्टार्स द मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा, और ग्रेट बियर जो कॉन्स्टिलेशन है, Shambling towards the north, उसका जो सबसे आगे का सिरा होता है, जो स्टार होता है, वो नॉर्थ को पॉइंट करता है, जिससे कि डायरेक्शन मालूम हो जाता है। बिफोर डॉन यानी भोर होने से पहले ही वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। और वहां पर जो इस तरह का एरिया था, देर वर द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स, उससे उसको पता चल गया कि वो सारबेला जो एक जगह है वहां पहुंच चुका है। दैट इज 20 माइल्स फ्रॉम कालाडूंगर, जो कि कालाडूंगर जो पीर पचमई का स्थान था, वहां से वो 20 माइल्स चल करके सारबेला तक पहुंच चुका था। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि अब जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी वो उससे कुछ ही दूरी पर थी। हियर ही रेस्टेड ड्यूरिंग डेलाइट, मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स And in the heat, everything became a mirage. So, जो इंडस रेंजर्स थे वो बैम्बू वॉच टावर से पूरे रेगिस्तान पर, पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थे। और दोपहर में सफर करना यानी कि दिन के समय में वहां ट्रेवल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मिराज इफेक्ट होता है, दूर से देखने पर लगता है कि वहां पानी है और पास जाते हैं तो लगता है नहीं है। तो कोई भी डिप्रेशन यानी कि जहां भी ढलान सी होती थी तो वहां लगता था कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और एक छोटा सा कमजोर कम हाइट का कैक्टस भी ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ा पेड़ों का झुरमुट है। कैमल ऐसा लगता था जैसे कि प्री हिस्टोरिक एनिमल यानी डायनासोर जितना बड़ा लगता था वो दूर से देखने पर। तो रेगिस्तान को क्रॉस करना, डेजर्ट को क्रॉस करना दिन के समय में मुश्किल था, बिकॉज कोई भी मूवमेंट रेंजर्स के नोटिस में आने से नहीं छुपा रह सकता था। When the sun came up, Nazar took his first drink of water from his saddle. At noon, he had his first meal, dry stale bread with onion. By now, thoughts about Fatima took a vice-like grip over him. An entire night lay between them, he thought, and the distance was less than 10 miles. और फिर उसने पानी पिया, अपना खाना खाया जो कि एक रात की बची हुई बासी रोटी और प्याज, ये उसने अपने खाने में खाए,
और उसके बाद वो फातिमा के ख्यालों में खो गया और उसको लगा कि अभी एक पूरी रात उन दोनों के बीच में बाकी है, यानी मिलने में। और जो डिस्टेंस बचा था वो सिर्फ 10 माइल का था। द थॉट ऑफ इट मेड हिम रिट इवन एज द सन स्टार्टेड रीटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट। अ विप ऑफ द टेंगी साउथ विंड कॉट हिज नॉस्ट्रिल्स अगेन, बट दिस टाइम इट ब्रॉट विद इट अ थिन डैबल्ड वेल ऑफ क्लाउड, पैचेस ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स। और इधर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उधर गर्मी बढ़ती जा रही थी, तेज धूप निकलने लगी थी। और इतने में फिर से एक साउथ विंड का झोंका आया, उसकी नाक से टकराया और इस बार उस हवा के झोंके के साथ साथ बादल भी आकाश में छा गए थे और आकाश में छाने लगे थे। विद इन एन आवर दिस corrugated cloud had covered a substantial portion of the sky, looking for all the world like a stretch of wind rippled sand. और एक घंटे के अंदर अंदर पूरे आसमान पर बादल छा गए थे। इस एक बादल के टुकड़े ने धीरे धीरे पूरे आसमान को कवर कर लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि विंड रिपल सैंड, जैसे कि हवा की वजह से जो रेत में लहरें बन जाती हैं समुद्र जैसी, तो वैसे ही आकाश में बादलों की लहरें बन चुकी थी। यस दिस वॉज द टाइम ही गॉट अप एंड शुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, इवन एज ही हार्नेस्ड हिज कैमल। ही थॉट दैट अल्लाह रसूल वाज लुकिंग एट हिम फिजिकली एज इफ आस्किंग व्हाट द हेल ही वाज अप टू। एट वन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ही न्यू दैट दिस वाज मैडनेस। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क कैमल्स डाइंग ऑफ फटीग, of the patrolling parties of the BSF and Indus Rangers, and the mirage-shattered, trackless waste of the desert. But he succumbed to a rush of blood, and the face of Fatima beckoned him like a mirage. और अल्लाह रखा को जब उसने उठा करके तैयार किया अपने कपड़ों से रेत को उसने झाड़ी, and was ready to move, तो अल्लाह रखा भी जैसे उसकी तरफ फिजिकली यानी सवाल करने वाली निगाहों से देख रहा था, जो समझ नहीं पा रहा था उसकी बात को, जैसे कि वो पूछ रहा हो कि वो क्या करने जा रहा है, कौन सी बेवकूफी वो करने जा रहा है। क्योंकि और वो खुद भी जानता था कि दिन के समय में डेजर्ट को क्रॉस करने की कोशिश करना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि जो कैमल्स हैं वो थक जाते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है, फटीग यानी थकान। पेट्रोलिंग पार्टीज जो BSF के जवान हैं, रेंजर्स हैं, उनकी नजरों से बचना बहुत मुश्किल होता है। फिर मिराज इफेक्ट जो है उसकी वजह से डायरेक्शन ढूंढना और आगे चलना, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सारी बातें जानते हुए भी ही डिसाइडेड दैट ही विल क्रॉस द डेजर्ट इन द डे लाइट। और क्योंकि उसकी नजरों में फातिमा का चेहरा घूम रहा था जो उसको बैटन यानी ललचा रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ आने के लिए। नजर क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066, ही न्यू द ट्रैक ही हैड टू टेक। बाइसेक्टिंग द टू फोर्स ऑफ द इंडस रेंजर्स एट जगतारी, जगतराई एंड विंगूर, बट ही स्टेड ओवर सो स्लाइटली and from their watch tower they saw through their binoculars this sleek camel warped and distorted by the heat shimmer into a lumbering leviathan, an Indian slipping into their territory with tendu leaves right under their noses, and that too without paying any hush money. They were not going to stand for it. Najab was in a trance. Now events flashing past him like figures on a screen. और नजर ने चलते चलते इंटरनेशनल बाउंड्री के पिलर नंबर 1066 को क्रॉस कर लिया था। अब उसको पता था कि उसको कहाँ जाना है। दो पोस्ट, दो चौकियां थी इंडस रेंजर्स की जगतराई और विंगूर में, उनके बीच में से उसको निकलना था। But he swayed ever so slightly
और जैसे ही उसने उन चौकियों के बीच में से निकलने की कोशिश की, तो अपने अपने वॉच टावर से उन्होंने दूरबीन बायनोक्यूलर्स के द्वारा देख लिया कि फ्लीट कैमल और जो इस गर्मी तेज हीट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, वो रेत में, लेविथन मीन्स सी एनिमल, तो वो मिराज इफेक्ट की वजह से वो ऐसा लग रहा था जैसे इस रेत के समंदर में एक छोटा सा जानवर, एक सी एनिमल घुस रहा है। और फिर उन्होंने देखा एन इंडियन इज स्लिपिंग, एक इंडियन उनकी बाउंड्री में घुस रहा है इलीगल तरीके से, शायद वो तेंदू लीफ की स्मगलिंग करने आ रहा है, और वो भी बिना उनको पैसे दिए, यानी कि जो रिश्वत वगैरह दी जाती है वो दिए बगैर वो उनकी बाउंड्री में घुसता है। तो देवर अनेबल टू टॉलरेट दिस। द माइल लॉन्ग चेस, द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, द स्पेंट बुलेट स्लिपिंग इन द सैंड, एंड द राइजिंग विंड विच टर्न्ड द डस्ट इनटू हिज आइज एंड देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड। व्हेन द डस्ट सेटल्ड हाफ एन आवर लेटर ही वाज अलोन इन द रैन। और उन्होंने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विदाउट टेकिंग द हार्श मनी, यानी जुर्माना दिए बगैर, जो भी भत्ता वसूली जो भी होती है रिश्वत दिए बगैर, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। सो दे स्टार्टेड चेजिंग हिम, यानी कि पीछा करना, नजर का पीछा उन्होंने स्टार्ट किया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। और रेगिस्तान में माइल लॉन्ग चेज, यानी कि 1 माइल की दूरी तक करीब ये चलता रहा, नजब आगे भाग रहा था और वो लोग उसका पीछा कर रहे थे फायरिंग करते हुए, और जो बुलेट्स हैं वो रेत में धंसते जा रहे थे। इतने में ही, लेकिन शायद अल्लाह ने उसकी हेल्प की, जो हवा की वजह से रेत उड़ने लगी तो वो उसकी आंखों में भी घुस गई, और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे, जो रेंजर्स जो बीएसएफ वाले थे, वो सब उनकी आंखों में भी चली गई, और दोनों के बीच में एक रेत का बवंडर आ गया जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, हंटर यानी कि जो रेंजर्स थे, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग थे, और हंटेड यानी कि नजर जिसका वो पीछा कर रहे थे, तो दोनों के बीच में वो जो रेत का बवंडर था वो बीच में आ गया, और उस डस्ट की वजह से उनको, जो शिकारी थे, उनको अपना शिकार नजर नहीं आ रहा था। When the dust settled, half an hour later, he was alone in the rain. और आधा घंटे के बाद जब ये रेत का तूफान थमा, जब डस्ट उड़नी बंद हो गई, तो उसने देखा कि वो रेन में अकेला था। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास इन अ डेज, He was mortally scared that Allah Rakha may die of fatigue. To ease him of his burden, he now started walking beside him. और अगले कुछ घंटे ऐसे ही निकले धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि उसको लग रहा था कि अल्लाह रखा जो है वो बहुत ज्यादा थक चुका है, तो उसको डर था कि कहीं ये थकान की वजह से मर ना जाए, तो उसको थोड़ा आराम देने के लिए वो ऊपर से उतर गया और उसके पीछे पीछे उसके साथ में चलने लगा। Within an hour, the sail had scraped the chalice from his feet and scared them with agonizing cracks. और 1 घंटे तक रेत में पैदल चलना, गर्म रेत में स्पेशली, बहुत मुश्किल होता है, तो उसके पैरों में छाले पड़ गए कि वो रेत में पैदल चल रहा था, इन द हॉट सैंड, गर्म रेत में, और 1 घंटे तक चलने के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए, टूट गए, क्रैक्स पड़ गए। अंडर अ हॉट पिंक स्काई द रेन वॉज ब्लेजिंग नाउ, शोइंग अप बाय नीडल्स विच हर्ट द आई। और इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था, हॉट पिंक स्काई का मतलब जैसे जो टीन की छत होती है, तिनकी, वो बहुत ज्यादा टिन गर्म हो जाता है धूप में, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आकाश से आग बरस रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जब तेज धूप होती है।
तो यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पैराग्राफ द नेक्स्ट फ्यू आवर्स पास दिन और डेज रिमेम्बर इट एंड जस्ट टेल मी व्हेन आस्क्ड. Okay then, read the chapter again. Okay, goodbye till the next class.